जल्दी आओ, आपकी आइसक्रीम बड़े बड़े ठंडी हो रही है। लेकिन माहौल तो गर्म है। आहा, पेश है राजवंश कुकिंग कॉम्पिटिशन। हमारे सामने व्हाइट कॉर्नर में है अबीर राजवंश, और पिंक कॉर्नर में है मिस्टी अबीर राजवंश, और इनके बीच होगा धमाकेदार कुकिंग कॉम्पिटिशन। सामग्री यहाँ है, केक की कवर करो। तो चलिए मिलते हैं अगली पायदान पर। हाँ जरूर, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि पहली रसोई में इतना मजा आएगा। ये कुहू वो हार लेकर आओ मेरे कमरे से। ऑफ कोर्स मां। 20 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 20 मिनट, और इन 20 मिनटों में तुम्हें मिठाई बनानी है। अब ये मिठाई कैसे बनानी है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आती नहीं है। लेकिन देख लो, कोई हेल्प नहीं, कोई चीटिंग नहीं, मदद नहीं, तुम्हारी मदद तुम खुद कर सकती हो। अब लेकिन मामा जी, डिसाइड कौन करेगा कि बेटर मिठाई किसकी है? जज कौन है यहाँ पे? ये टोंट भरी, मैं हूँ ना, आजकल मैं डाइट भी नहीं कर रही हूँ, सारी मिठाई मैं खा सकती हूँ। करेक्ट, सारी कैलोरीज केतु की, क्योंकि मैं तो मीठा खाऊंगा नहीं। लेकिन सुनो सुनो सुनो, मैं मीठा खा सकती हूँ। यस, लेकिन मैंने जजेस को बाहर से बुलाया। यानी एक और सरप्राइज दोगे तुम हमें? चलो स्टार्ट करें। ओहो, रोमांटिक सीन, वो भी काम के टाइम पे। काम के टाइम पे सिर्फ काम, राइट? रोमांस का ना सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है। तेरी बीवी का है, अभी शिकायत लगाता हूँ उससे। मिष्टी जल्दी करो, अबीर की खीर तो बनने ही वाली है अभी। चलो चलो जल्दी। कम ऑन मिसेज राजवंश, मैं तो इंसानों जैसा भी खाना नहीं बना सकती, अबीर जैसा कैसे बनाऊंगी? ओहो, ओ माय मदर मिस्टी, जरा जल्दी जल्दी हाथ पटाओ, जल्दी जल्दी काम कर। मेरी को टीचर होती ना, वो तुम्हारी तरह लूजर नहीं बनती। हाँ मामी, अगर आपके कहने का मतलब है कि कुहू कभी हारती नहीं है, तो आई टोटली अग्री विद यू। हाँ वैसे कुणाल, तू मेरा गुलाम बन रहा है या फिर जोरू का? जाने भाई, जल्दी से वो मिस्टी भाभी की हेल्पिंग करने। हेल्पिंग कुछ नहीं, अगर हेल्प की तो चीटिंग हो जाएगी, और चीटिंग हुई तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और कंपटीशन से बाहर हुए तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ओह माय मदर, हस्बैंड, आप मिस्टी को कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं? अरे निधि, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन। ओह गॉड्स, बापूजी, सेम डिफरेंट बापूजी। सब लोग यहाँ से चलो, उनको आराम से कुकिंग करने दो। चलो 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 चलो, आई आई चलो। तुम हारने वाली हो वाइफी, जल्दी करो। सच में? I'm sorry, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कर ली। मैंने क्या कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा तुम हारने वाली हो। तुमने मुझे वाइफी कहा ना, तुम्हारे मुंह पे चॉकलेट लगा। कहाँ? अब मैं क्या? देखो अबीर, जस्ट चेक ना। ये चीटिंग है, एंग्री चोरनी। Everything is fair in love and war. अजीब राजवंश। तुम्हारी तो इतनी सुबह कौन आया होगा? हमारे नए जजेस। अरे यहाँ, कम इन। अरे विशंबर, कैसे हो? बड़ी माँ और बड़े पापा, तुम्हें पता था ना कि मैं नर्वस होने वाली हूँ। Everything is fair in love and war. फिर तो तुम ही हारोगे, अजीब राजवंश। देख लेंगे, एंग्री चोरनी। आराम से। राधे कृष्ण। बापूजी, वो अबीर बता रहे थे कि हमें किसी रसम में शामिल होना है। अरे भाई, कौन सी रसम? बापूजी, फर्स्ट रसोई। ओ हाँ, तो उसमें हमारी क्या जरूरत है,
वहां अच्छा हुआ हम घर से खाना खा के आए थे, मिष्टी खाना बना लिया है। ऐसा भी नहीं है शौर्य, मिष्टी खाना बना लेती है, बस कोई खा नहीं पाता। चुप कर जाओ। किसी है वर्षा जी, हमारी कुहू को मत डांटिए, इस घर की खुशियां उसी से है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण बेटा। खुशी की बात तो ये है कि किचन में कोई रस्म नहीं बल्कि एक कंपटीशन चल रहा है। किचन में कैसे कंपटीशन? भाई और मिष्टी एक एक डिश बना रहे हैं पहली रसोई को जीतने के लिए। क्या? अब ये तो पता चल गया कि भाई मिष्टी को हरा सकते हैं, बट मुझे ये जानना है मम्मी, अगर हमारे बीच में ये कंपटीशन होता तो क्या मैं कुहू को हरा सकता? नो 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 कुणाल, ओनली कुहू टीचर विनिंग, ओनली माय कुहू टीचर। मतलब अबीर और मिष्टी दोनों रसोई में? जी राजश्री जी, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे कैसी खुशबू है भाई। पापू जी, ये खुशबू नहीं होती, इसे बदबू कहते हैं, बदबू। देखिए तो क्या हो रहा है। ये भगवान, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया था मिश्री, लेकिन वो तूफान अबीर तक बिल्कुल नहीं पहुँचा। तूफान तो आप हैं बड़ी माँ, अब आप आई हैं तो काम पे ध्यान किसका लगेगा? बदमाशी कम करो और काम ज्यादा करो। okay. अब बताओ क्या करने जा रहे हो? मैं बस बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ऊपर से डालने वाला हूँ। अरे वाह, वाकई बहुत बारीक पिस्ता काटा है, वेरी गुड। आया बड़ा पिस्ता कटर। दाव थे क्यों? क्या हुआ? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कहीं आग लगी है, कुछ जल रहा है? नो नो हस्बैंड, वो बाहर सुखीराम कचरा जला रहा होगा। नहीं नहीं, वो मिष्टी का केक जल रहा है। आराम से बेटा, आराम से संभाल के। ओह गॉड। ए ए, बात याद रखना, 8 मिनट हमारी जिंदगी के खास 8 मिनट बचे हैं बस। 8 मिनट है आपके पास, आप कुछ ना कुछ करिए। ऑल द बेस्ट वाइफी। ऑल द बेस्ट हबी। चलिए बताइए, रादर दिखाइए कि आप दोनों ने क्या बनाया। ये वो खीर है जो मैंने तब खाई थी जब मैं सबसे पहली बार मिष्टी के घर गया था, और इनफैक्ट मुझे कटरीना चाची ने थोड़ी एक्स्ट्रा भी खिला दी। ये चीटिंग है। तुम जजेस को मक्खन लगा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही कहा मिष्टी तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम इस तरह से मक्खन नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें जजेस चुनने का हक मिला है, मौका मिला है, तो फिर मिष्टी को भी ये मौका मिलना चाहिए। माँ, मिष्टी ये मौका मैं तुम्हें देती हूँ, तुम बताओ तुम किसे जज के रूप में चुनना चाहती हो? मैं कुहू को। सारू आइडिया जी, एक तरफ बहन दूसरी तरफ ब्रो। अरे वाह। मैं हैशटैग आयुष शॉ खीर बनाइए, मजा आ गया। यस। पर ये वैसी नहीं है जैसी हमारे घर बनती है। है ना, ये तो उससे भी बहुत अच्छी है। क्या बात है? इनकी खीर की एक चम्मच में ना 350 कैलोरीज होंगे और बहुत सारा प्यार भी। ये फिर से चीटिंग। माँ देखो ना, ये चीटिंग कर रहे हैं। प्यार बांटना कोई चीटिंग नहीं होती। ओके बाहर। अरे अगर तू मुझे रोज रोज ये खीर खिलाता रहे तो तू चाहे जितनी चीटिंग कर सकता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। चलिए अब नानू ने फैसला तो कर ही दिया। हाँ लेकिन तुम भी आई हो यहाँ तक, ये सब किया है तो तुम भी टेस्ट करवा दो। चलो कम ऑन मिष्टी, तुम दिखाओ तुमने क्या बनाया। शेफ मिष्टी क्या बनाया? दिखाओ दिखाओ। मैंने बनाई है चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी, और वो भी कॉफी मग में। सॉरी, मुझे वो दिन याद आ गया था।
क्या हुआ कि गुहू का जन्मदिन था, मिष्टी तब नई नई घर आई थी और हम सब मिष्टी की चिंता में गुहू का जन्मदिन ही भूल गए। इट्स ओके दादी, हैशटैग ओल्ड स्टोरी। ये अभी ऐसा कह रही है लेकिन तब ये बहुत छोटी थी और इसे बहुत बुरा लग गया था। आप और थैंक गॉड घर में मिष्टी थी, क्योंकि हम तो कुहू के लिए केक भी लाना भूल गए थे। हम सबको उदास देखकर उसने यही केक खुद बनाया अपने हाथों से। कुहू ये केक देखकर बहुत खुश हो गई थी। सच मानिए तो मिष्टी की वजह से हम सब मुस्कुराए थे। लेकिन उस दिन ब्राउनी इतनी ग्रेट नहीं बनी थी, लेकिन आज It's perfect. Thank you. अबीर, इसे कहते हैं सही मायने में प्यार बांटना। लेकिन मीनाक्षी जी, खीर तो फिर भी ब्राउनी से बेटर है। कॉम्पिटिशन बेशक गधड़ों ने जीता, लेकिन मिष्टी ने हम सबका दिल जीत लिया। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी सबसे अलग है। देखा मिष्टी, वो तुम्हारी फैमिली और ये मेरी फैमिली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।